जय हिंद आप सभी को मेरा, और आज हम बात करेंगे ट्रैवल वर्ल्ड। दुनिया में माना जा रहा है कि ट्रैवल वर्ल्ड एक नया सोल्यूशन है इकोनॉमी को रिवाइव करने का। इस बात को हम समझेंगे। ये टॉपिक आपकी जीडी में, लेक्चर में और पर्सन इंटरव्यू में पूछा जाएगा। वो कैसे पूछा जाएगा, उसका जवाब क्या होगा, उस बारे में हम समझेंगे। पर पहले मैं आपको कुछ न्यूज हेडलाइन दिखाता हूँ जो कि हर न्यूज पेपर, हर मीडिया हाउस कवर कर रहा है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि ट्रैवल बबल एक आइडिया हो सकता है जो कि लोगों में होप जगा रहा है। इकोनॉमिक्स कहता है कि जो ट्रैवल बबल है वो इकोनॉमिक रिकवरी में क्या मदद कर सकता है। सीबीसी जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, उसका यह कहना है कि मैरिटाइम जो प्रोविंस हैं, जो कि समुद्र से लगे हुए देश हैं, उनमें सीओवीडी 19 होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ट्रैवल बबल की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। बट यहाँ पर जो कॉशन है वो लेके चलना होगा। अब यहाँ पर आपको ट्रैवल बबल सुना होगा, ट्रैवल बबल होता क्या है? देखो, मोटे मोटे शब्द में कहूँ तो ये होता है कि जहां पर सीओवीडी 19 नहीं है या कम केसेस है, उन एरिया में ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी जाए, एयरलाइन से, ट्रेन से, गाड़ी से, किसी भी तरह से। अब यहां से आगे चलें। अब इसको इकोनॉमी को रिवाइव करने का तरीका माना जा रहा है, तो इस बारे में हमें फर्दर टॉक करनी है, क्योंकि यही हमारा की पॉइंट है कि इकोनॉमी कैसे रिवाइव हो जाएगी इससे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने, बाय प्रोफेशन आई एम यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहां से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप CDS, FCAT, CAPF, SSB की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब ट्रैवल बबल मैंने आपको जैसे बताया कि वो ये कहता है कि जो एरिया है जहाँ पर सीओवीडी 19 के केसेस कम है या बिल्कुल भी नहीं है, उनके बीच में ट्रैवल होगा बाय एयर, बाय लैंड और बाय वाटर। अब शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप। Australia and New Zealand discussed a travel bubble between the two on Tuesday. Both countries have been planning a safe zone of travel that would allow residents to travel between the countries without a mandatory quarantine period on arrival. But Australian leader Scott Morrison didn't give a date for when Aussies and Kiwis can take again to the skies. The Prime Minister and I have been now for several weeks been talking about a safe travel zone between Australia and New Zealand. It is still some time away, but it is important to flag it because it is part of the road back. New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern joined Australia's coronavirus cabinet meeting on Tuesday, and also said no rush decision would be made until both countries were confident that the virus was at bay. I think simply the position that I would take on behalf of New Zealand is that when we feel comfortable and confident that we both won't receive cases from Australia, but equally that we won't export them, then that will be the time to move. New Zealand recorded no new coronavirus cases for a second day in a row on Tuesday. Meanwhile, rules on social distancing have been rolled back in some Australian states and territories. However, restrictions on large gatherings and non-essential travel are still in place. Reopening the travel route would be a major boost for both countries, with both economies in a lockdown slump. ओके, तो अभी आपने मोटी मोटी न्यूज सुनी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है ट्रैवल बबल, मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट्स यहाँ पर, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पर चलने वाली है। बट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वो पहले दो देश नहीं है जिन्होंने ये काम शुरू किया है। ये जो शुरू किया है सबसे पहले बाल्टिक नेशन ने किया। बाल्टिक नेशन ना तीन देशों का ग्रुप है, एस्टोनिया, लेटवीनिया एंड लिथुएनिया। ये तीन देश यहाँ पर डिसाइड उन्होंने फर्स्ट टाइम किया कि हम ट्रैवल बबल स्टार्ट करेंगे, कि इन एरिया में फ्लाइंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर लोग अपना आने का जाने का काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और कोई भी काम करना है वो कर सकते हैं। अब जरा ये समझना होगा इनकी पॉपुलेशन है कितनी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँ इसकी डायरेक्शन है क्या। ये नॉर्थ साइड में है यूरोप के, ये तीनों देश, और इनकी पॉपुलेशन इतनी है जितनी मेरठ इंदौर जैसे शहर की, मतलब करीबन 15 लाख के आसपास। तीनों की आप मान सकते हैं 15-15 लाख है पॉपुलेशन। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं केस नेग्लिजेबल हो चुके हैं और एकदम खत्म ही हो गए हैं एक तरह से। जैसे न्यूजीलैंड का हाल जैसे अभी आपने सुना, वहां पर दो दिन से कोई केस नहीं आ रहा, वैसे ही एस्टोनिया, लेटवेनिया और लिथुएनिया के केस में भी है। अब ट्रैवल बबल से होगा क्या, कौन सी इकोनॉमी का पार्ट बूस्ट होगा? टूरिज्म होगा।
बिजनेस मीटिंग होगी, ट्रेड होगा और एयरलाइन बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ग्रोथ कितनी होने वाली है। मैं यहाँ पर न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देता हूँ। न्यूजीलैंड से लोग ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करते हैं टूरिज्म के नाम पर 1.5 मिलियन पर ईयर, मतलब अगर 2019 का आंकड़ा देखें तो ये 1.5 मिलियन है और जिससे ऑस्ट्रेलिया को इनकम बढ़ रही है वो है 2.6 बिलियन ये कहीं ना कहीं एक मेजर बूस्ट है। और जब यहाँ पर बिजनेस मीटिंग, ट्रेड और एयरलाइन बिजनेस भी बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं मेजर बूस्ट खाली टूरिज्म का नहीं तो बाकी सेक्टर्स का भी आ जाएगा बहुत ज्यादा। यह पूरी कहानी, इस बात को आपको याद रखना है। अब ट्रैवल बबल जो है वो क्या इंडिया में भी शुरू होगा? हाँ, इंडिया में भी ट्रैवल बबल शुरू हो सकता है और इनफैक्ट हो गया है, बट उसको नाम ट्रैवल बबल दिया नहीं है। ये हमारे जो रेलवे मंत्री, उन्होंने कहा है कि 1 जून से 200 नई ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप राजस्थान पत्रिका का आप देख रहे हैं थंबनेल और यहाँ पर आप क्विंट इंडिया का, क्विंट जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसका देख रहे हैं, इसमें 1 जून से बताया है ट्रेनें शुरू हो जाएंगी और 25 से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। ये आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक बात और आती है, वो ये आती है कि क्या इंडिया, जैसे हमने ट्रैवल बबल का नाम सुना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, फिर बाल्टिक देशों के बारे में सुना कि बाल्टिक देश जो हैं वो आपस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है इंडिया भी ट्रैवल करे बाकी देशों तक? हाँ, बट अभी बहुत दूर के देश नहीं होंगे, पास पास के देश देखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करें भूटान की, तो भूटान में हाँ ट्रैवल बबल बन सकता है हमारा, क्योंकि वहां पर 0 डेथ केस हैं और सिर्फ 21 कंफर्म केस हैं COVID-19 के। इसके साथ नेपाल भी बन सकता है, यहाँ पर 427 केसेस हैं, 45 रिकवर्ड हैं और सिर्फ 2 मौतें हुई हैं। श्रीलंका में बन सकता है, सिर्फ 9 मौतें हुई हैं। म्यांमार में बन सकता है, सिर्फ 6 मौतें हुई हैं। मालदीव से बन सकता है, वहां पर सिर्फ 4 मौतें हुई हैं। तो यहाँ पर जो रेट है हमारे नेबरिंग देशों में वो हो सकता है। पाकिस्तान से ट्रेड नहीं शुरू होगा क्योंकि पहले भी नहीं था हमारा COVID-19 से पहले, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 वो सस्पेंड हो गया था। और फिर चाइना से भी हमारा अभी ट्रेड, या मैं कहूँ फ्लाइट अभी स्टार्ट नहीं होगी, ना ही ट्रेन ना कुछ, अभी उसमें समय लगेगा। बट क्या ये सब कंट्री, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, हमारे साथ ट्रैवल बबल करना चाहेंगे? ये डाउट वाला केस है। ये हो सकता है कि ये एक्सेप्शन कर दे, क्योंकि इंडिया में जो अगर आप देखें केसेस हैं वो 1,12,000 के करीबन है और जो डेथ है वो 3,000 के आसपास है। बट हमारे देश के साथ ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा देश COVID-19 से जूझ रहा है, हमारे देश के कुछ एरिया जूझ रहे हैं। जैसे अगर आप देखें जो व्हाइट है एकदम, वो नो केस एरिया है, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट व्हाइट हो रखा है। फिर यहाँ पर ये वाला जो एरिया है बंगाल के पास वाला, बंगाल झारखंड वाला एरिया, वो पूरा व्हाइट हो रखा है। सिर्फ ये राजस्थान, यहाँ पर यूपी का कुछ एरिया, यहाँ पर तेलंगाना का आसपास का रीजन, महाराष्ट्र और केरला वाला रीजन यहाँ पर हो रखे हैं। मतलब करीबन 5 से 7 स्टेट हो रखे हैं और हमारे पास टोटल हैं 28 स्टेट्स। तो अगर मैं मान लो 7 स्टेट भी मान लूँ तो हमारे पास 21 स्टेट खाली हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो देश है, हमारे जो नेबरिंग देश है, वो कह दें कि जो 21 स्टेट्स हैं यहाँ से हम ट्रैवल बबल स्टार्ट कर सकते हैं, पर अभी बाकी जगह से हम नहीं करेंगे। अब यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी और यही एक इकोनॉमी रिवाइव होने का तरीका है। ये होता है हमारे टॉपिक का एंड। और खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके CDS, INET, FCAT या टाइटल आर्मी एग्जाम निकालने के लिए। Hey guys, मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया अनअकैडमी पे, एकदम फ्री अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं मैं। मतलब आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे एकदम पूछ सकते हो, मैं वहां पर आपका हर डाउट क्लियर करूंगा। और मैंने मेक श्योर किया है कि आपके पास ये क्वेश्चन दिए जाएं CDS, FCAT, INET, टाइटल आर्मी के। सो मैं मतलब CDS, FCAT, INET, टाइटल आर्मी की आपकी सारी तैयारी कराऊंगा 30 जून तक। तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा 3 महीना पड़ा होगा अपनी तैयारी को कंप्लीट करने का। तो आप वहां पर जाकर मुझे मिलो, मैं आपसे लाइव मिलूंगा वहां पर और मैं रात को 9 बजे आता हूँ। सो आप अनअकैडमी का जो चैनल है मेरा, मेरे नाम से शुभम वाचन, आप उसे सर्च कर सकते हो या आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप क्लिक करो और वहां पर फॉलो करो तो आपको मेरे लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डोंट मिस इट बिकॉज इट इज फ्री। ओके, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर CDS, FCAT, INET, टाइटल आर्मी एंड सिलेबस इज गोइंग टू कंप्लीट ऑन June 30th एंड ऑल चैप्टर्स विल बी टेकन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पर बुलाइए और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूँ तो #bhashan का कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है एंड माय एम इज टू टेक यू 1 स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और GD टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे GD टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज़ भेजता हूँ।
मैं उनको सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।